जय हिंद प्यारे बच्चों, लाइब्रेरी के कई सारे फोटोज आपने देखे होंगे। लाइब्रेरी का फोटो देखने के बाद में अगर आपसे पीपीटी स्टोरी लिखने के लिए बोला जाए, एक अच्छा बच्चा डेफिनेटली बहुत अच्छी स्टोरी लिखेगा। पर कई सारे बच्चों के दिमाग में सिर्फ वही ख्याल आते हैं कि वो बुक लेने गया, उसको बुक नहीं मिली, उसने देखा किताबें बहुत सड़ी पीड़ी हालत में थी। आपको ये सब नहीं लिखना है। आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर पर आप कितना अच्छा स्टोरी लिख सकते हो, मैं आपको गाइड करता हूँ। और हाँ, एक और बात, हमारा SSB इंटरव्यू का जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 15 मार्च से। उसके लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको भी लगता है कि हमारे ऑफलाइन बैच में आकर के आपको भी संतुष्टि मिल सकती है, आपका डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो डेफिनेटली आप हमारा 15 डेज का कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी पीपीटी। देखिए इस पीपीटी के अंदर हमको साफ साफ दिख रहा है बच्चों, ये बच्चे स्टडी टेबल पर अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये बंधु जो है अपनी फाइल को अपने हाथ में लेकर के जा रहे हैं। पीछे भी आपको यहाँ बुक्स जमी हुई दिख रही है और यहाँ भी बुक्स आपको जमी हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली आप इसमें लाइब्रेरी का सेंस क्रिएट कर सकते हैं। और लाइब्रेरी का हेल्प लेकर के, लाइब्रेरी के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को कितना अच्छा इंप्रूव कर सकता है, वो कितने अच्छे से आगे बढ़ सकता है, अपने साथियों को भी आगे बढ़ा सकता है, ये सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। प्यारे बच्चों, आप देखिएगा इस तरह का फोटो देख करके आपको कुछ चीजें नहीं लिखना है, जैसे कि लाइब्रेरी की किताबों की हालत बहुत खराब थी, धूल जमी थी, टीचर बुक देने के लिए तैयार नहीं थे, ये सारी बातें आपको नहीं लिखना है। आपको लिखना है लाइब्रेरी थी, उसका सदुपयोग किया बंदे ने और बंदा जो है अपने गोल में सक्सेसफुल हो गया। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि इस स्टोरी में क्या लिखोगे। देखो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एज, मूड, सेक्स आप सब लिख दोगे, क्योंकि आपने बहुत सारी रिपीटेड स्टोरीज का ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 5 मेन हीरो आपका जो है वो कौन है, आप खुद बता दो कि आपका हीरो जो है आप स्वयं हो। उसका जो एज है वो कितना है भाई, तो वही 20 से 22 साल उसका एज है। और मूड कैसा है बच्चा, पॉजिटिव। आपको इन तीनों बातों का अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखो, रोहन वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, जर्नी की उसको एनडीए सीडीएस की तैयारी कराओ, आप डेफिनेटली उसको किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करा सकते हो। रोहन वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन हिज प्रिपरेशन ही स्टार्टेड गोइंग टू अ लोकल लाइब्रेरी ऑन डेली बेसिस। ठीक है, कि अपनी तैयारी को धार देने के लिए उसने लाइब्रेरी जाना शुरू किया। देयर ही फाउंड मेनी स्टूडेंट्स हु वर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन, वहां उसने देखा कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। He interacted with them and they became friends. वो उनसे इंटरेक्शन करता है और वो आपस में दोस्त बन जाते हैं। He also consulted various standard books, went through various magazines, periodicals and newspapers and used internet to increase general awareness. है ना? अब लाइब्रेरी में आकर के बंदा बुक्स सर्च किया, मैगजीन सर्च किया, कई सारे उसने जो है periodicals देखे और अपने ज्ञान का उसने विस्तार किया। ही मेड कॉम्प्रेहेंसिव नोट्स, उसने अपने कॉम्प्रेहेंसिव नोट्स भी बनाए। जब लाइब्रेरी में जाएगा तो ऐसा दैनिक सिर्फ पढ़ के घर आ जाएगा, पढ़ के नोट भी करेगा, काम की चीज है। उसने कॉम्प्रेहेंसिव नोट्स भी बनाए। ही मेड इट ए पॉइंट टू सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड टू प्रैक्टिस टू राइट आंसर्स विद इन लिमिट टाइम लिमिट। ठीक है, उसने प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी लगाए और उनको विद इन टाइम लिमिट सारा सॉल्व करने का प्रयास किया। He advised others also to do it. उसने दूसरों को भी ऐसा करने का एडवाइस दिया। They agreed, है ना? Rohan kept on motivating them. Rohan उन्हें motivate करता रहा and worked hard. और खुद ने भी खूब मेहनत की। When the day came, he with others, है ना, appeared in exam with full confidence and qualified it with some other friends, है ना? वो एग्जाम देता है और एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, उसका भी होता है, उसके कुछ दोस्तों का भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। फिर क्या हुआ, अलोंग विद देम ही कंटिन्यूड हिज एफर्ट्स फॉर द लेटर पार्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। चूंकि एक दिन के एग्जाम तो थी नहीं, उसके और भी दूसरे पार्ट्स थे। अगर उसने सिविल सर्विसेज चुना है तो डेफिनेटली प्रीलिम्स और मेंस का एग्जामिनेशन होता है, तो उसने आगे के हिस्से को भी चुना। ड्यू टू हिज सस्टेन्ड एफर्ट्स ही केम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स एंड गॉट हिज एम, और वो अपना उद्देश्य हासिल करने में सफल हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस तरह से शानदार स्टोरीज लिख सकते हो, पर एक बात आपको बता देना चाहता हूं, आप दूसरों की लिखी हुई स्टोरी को रट्टा मार करके नहीं जाना है। आपको अपना परसेप्शन खुद बनाना है, आपको अपनी स्टोरी खुद बनाना है और उस स्टोरी पे काम भी करना है। आप अपने थॉट्स का डेवलपमेंट कीजिए, रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, आईने के सामने खड़ा होकर के बोलने की कोशिश कीजिए। अगर मेरी आवश्यकता लगती है तो 15 दिन के लिए इंदौर चले आइए। 15 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।